नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल यू आर गॉड। और यू आर गॉड का मतलब होता है आप भगवान हैं। हर मनुष्य में ईश्वर का निवास है और यही सब साबित करने के लिए और मैं अपनी सारी अनुभूतियाँ आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, मैं आज आपको एक और अपनी आध्यात्मिक अनुभूति बताने वाला हूँ। जी हाँ, मैंने देखा श्री माँ को, मदर को। आप लोगों में से बहुत कम लोग शायद मदर के बारे में कुछ जानते होंगे, तो मैं बता दूँ आपको कि चेन्नई के पास में पांडिचेरी नाम की एक जगह है, वहाँ पर ओरोविल एक शहर है और श्री अरविंद आश्रम एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है दक्षिण भारत का। तो यहाँ पर एक बहुत बड़े ऋषि हुए थे श्री अरविंद। उन्होंने तपस्या की थी सारे जीवन में, सारा जीवन वहीं बिताया था उन्होंने। और उनकी सहायता के लिए एक महिला श्रीमा फ्रांस से आई थी और वो थी गुरु। जी हाँ, वो थी गुरु। और श्री अरविंद ने उनके बारे में यहाँ तक कहा था कि वो कुंडलिनी शक्ति का अवतार है। कुंडलिनी शक्ति का अवतार होने का मतलब आप समझते हैं, माँ काली का अवतार। जी हाँ। तो एक बार मैंने एक दृश्य देखा, अब मैं मेडिटेशन कहूँगा क्योंकि अगर मैं कहता हूँ आपसे कि मैंने स्वप्न में देखा तो लोग सोचते हैं कि वो सपना होगा सिंपल वाला, वैसा कुछ नहीं है। मैं अब इसके लिए मेडिटेशन शब्द का इस्तेमाल करूँगा आगे से, जो मैं आध्यात्मिक दृश्य देखता हूँ उसके लिए। तो मैंने मेडिटेशन के दौरान देखा कि श्री माँ, जो कि फ्रेंच भाषा बोलती थी, इंग्लिश भाषा बोलती थी, तो वो मेरे स्वप्न में आई और मैंने देखा कि मैं छोटा सा बच्चा बन गया, लगभग 6-7 साल का, और उछल उछल के चल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। उनके पास गया और जाकर के मैंने कहा कि मुझे तुलसी के बीज चाहिए। तो वो मेरे साथ बाहर आई गार्डन में, और गार्डन में आकर के उन्होंने तुलसी के पौधे उगे हुए थे कुछ, वो सारे के सारे उखाड़ करके मुझे दे दिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, है ना, जो ये हमारी परंपराओं को नहीं जानती होंगी, तुलसी का पौधा ऐसे नहीं तोड़ा जाता है, उखाड़ा जाता है, इस तरह की बातें मेरे मन में उमड़ी। और अब जो हुआ वो मैंने बता रहा हूँ आपको। उसके बाद में मैं दौड़ता हुआ गार्डन में चला गया। अब आप देखिए, ये जो तुलसी के पौधे वाला जो दृश्य मैंने देखा, इसका असली मतलब क्या है? मैंने फिर उनकी एक पुस्तक में पढ़ा कि तुलसी का मतलब होता है भक्ति। जी हाँ, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी भक्ति प्रदान की थी, ये था। और फिर उसके बाद में उनकी जो वो दृश्य मैंने देखा, वो सचमुच में मेरी जिंदगी में सत्य भी साबित हुआ, क्योंकि मेरी सारी जिंदगी भक्ति में ही निकल रही है। मैं ये सब नहीं, इस लाइन का आदमी नहीं हूँ, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट था, और बिल्कुल नास्तिक। मुझे कोई लेना देना नहीं था भगवान के किसी भी मामले में, ना ही कोई भरोसा था। पर देखिए, उसके बाद में जो ये भक्ति में मेरी ज़िंदगी जो गुजर रही है, तपस्या और भक्ति में, तो वही सब चल रहा है लगातार, और 20 साल हो गए। तो इस प्रकार से हमारे जो आध्यात्मिक स्वप्न होते हैं ना, उनका ऐसे अर्थ निकलते हैं, पर हम लोग क्या है आसानी से समझ नहीं पाते। मुझे भी क्या है, एक लंबे अंतराल के बाद में समझ में आया उसका अर्थ, जब मुझे पता लगा कि तुलसी का मतलब भक्ति होता है। तो हमारे जो ध्यान में देखे गए जो दृश्य होते हैं ना, या स्वप्न में देखे गए, आध्यात्मिक योग निद्रा में देखे गए जो दृश्य होते हैं, उनका वो सब क्या होते हैं कि कोड वर्ड्स में होते हैं, और उनको समझने के लिए भगवान ही कोई रास्ता दिखाएं तो समझ में आए वो, वरना तो सामान्य दृश्य समझ करके और उनको भूल जाना बिल्कुल आसान है। ऐसा सभी के साथ होता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो आप लोगों को जो आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, मैं चाहता हूं कि वो सबके सब आप मुझसे शेयर करें और कमेंट में लिखें, क्योंकि मैं जानता हूं सभी को आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, लेकिन लोग बताना पसंद नहीं करते। या तो उनको शर्मिंदगी महसूस होती है, या फिर उनको लगता है कि हाँ ठीक है, बिल्कुल सामान्य सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, आध्यात्मिक स्वप्न जो होते हैं ना, वो एक संपदा है हमारी। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल यू आर गॉड। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि तुलसी भक्ति का प्रतीक है, और मैंने अपने स्वप्न दर्शन के बारे में या मेडिटेशन में जो मैंने देखा उसके बारे में मैंने आपको बताया। और देखिए, उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने कहा था कि मेरे वीडियोस भविष्यवाणी बन रहे हैं। और अभी जब मैं वो वीडियो बना करके निपटा और मुझे अपने बच्चे को स्कूल लेकर के जाना था, तो परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि हम स्कूल में हमारी एंट्री नहीं हो पाई और हमको फिर घूमने के लिए जाना पड़ा। तो हम गए एक पार्क में, चले गए, और उस पार्क में मैं थोड़ी देर के लिए घूमा तो मुझको एक पुरानी बात याद आई। कई वर्ष पहले मैंने देखा था कि एक महिला, श्री माँ के जैसी दिखने वाली एक महिला, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके एक दीपक जला रही थी। और मुझे समझ में नहीं आया कि इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके दीपक क्यों जला रही थी वो, आखिर क्या था वो। तो देखिए, पूजा अर्चना जो भी कर रही थी वो। अब अभी आज जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि वहां पर तुलसी के नए पौधे उगे हुए हैं, जो अभी अभी उगे हैं, और बिल्कुल वही पौधे थे ये, बिल्कुल उसी तरीके का दृश्य था ये जो दृश्य मैंने बरसों पहले स्वप्न में देखा था। मतलब वीडियो मैंने पहले बनाया और वो सारा दृश्य मुझको रिपीट किया गया। और
तुलसी भक्ति का प्रतीक है, ये बात मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो मतलब व्यवहारिक जीवन में भी जो आध्यात्मिक हमारे स्वप्न होते हैं ना, वो कैसे आश्चर्यजनक रूप से वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल को किसी माओ में नहीं बंद करके और कैसे सत्य साबित होते हैं, ये एक विचार करने का विषय है। सब भगवान की लीला है, कल के अवतार की जय। जय हो।